आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सरयू राय ने फिर से रघुवर दास पर साधा निशाना, कहा लिम्का बुक में दर्ज कराया फर्जी रिकॉर्ड। दूसरी खबर, प्रदीप यादव को झाविमो ने जारी किया नोटिस, 48 घंटे में जवाब देने का निर्देश। तीसरी खबर, लोहरदगा में ठंड से जवान की मौत, साथ ही आक्रोशित। चौथी खबर, पत्नी कल्पना संग प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंचे सीएम हेमंत, लोगों से की मुलाकात। पांचवी खबर, लालू से मिले तेज प्रताप, सुरक्षा गार्ड भिड़े मीडिया कर्मियों से, बिगड़ते सेहत को लेकर एम्स रेफर करने पर विचार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के वरिष्ठ नेता विधायक सरयू राय ने एक बार फिर राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार को घेरा है। सरयू राय ने ट्वीट के जरिए रघुवर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच कराने की मांग की है। सरयू राय ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 12 जनवरी 2018 को 26,000 युवकों को नौकरी देने की घोषणा राज्य सरकार ने तामझाम से की थी। इन सभी का एवं जहां इन्हें नौकरी मिली उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास है। जांचने पर दावा फर्जी निकला, पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह दर्ज हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह फर्जीवाड़ा किसने किया, यह जांच का विषय है। सरयू राय ने ट्वीट के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अटैच किया है और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। इससे पहले भी सरयू राय रघुवर दास के नियंत्रण वाले विभागों में हुए कामकाज की जांच की मांग कर चुके हैं। सरयू राय ने इससे पहले सोमवार की रात एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि बिग फोर के नाम से मशहूर E&Y, PwC, KPMG एवं अन्य विदेशी कंपनियों ने विगत 5 वर्षों में झारखंड सरकार के कई विभागों में मनोनीत परामर्शी का काम किया है। मोमेंटम झारखंड, कौशल विकास, जनसंपर्क, शिक्षा, खान, IT आदि में इनके चर्चित कार्यों के लाभ हानि की गहन छानबीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करवाए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने पार्टी के नेता प्रदीप यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झाविमो ने प्रदीप यादव को नोटिस पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने और कांग्रेस नेताओं की प्रशंसा करने पर जारी किया है। पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के विरुद्ध दिया गया बयान अनुशासन के खिलाफ है। पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी बयान दिया गया है। गोड्डा में कांग्रेस की रैली में CAA के खिलाफ बयान दिया गया है, जबकि झाविमो की ओर से अभी तक CAA पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह के हस्ताक्षर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदीप यादव ने पार्टी के निर्देश के बगैर दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी RPN सिंह से मुलाकात की। झाविमो ने प्रदीप यादव को 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है। जवाब नहीं देने की स्थिति में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले दल विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण पार्टी ने प्रदीप यादव को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था। दूसरे विधायक बंधु तिर्की पहले ही पार्टी से निलंबित किए जा चुके हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोहरदगा में कर्फ्यू के दौरान तैनात जवान की सोमवार रात ठंड लगने से मौत हो गई। जवान को बाजार में ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। मंगलवार को जवान को ड्यूटी स्थल पर अचेत पाया गया। इसके बाद साथी सिपाहियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सिपाही की मौत के बाद साथी जवान आक्रोशित हो गए। जवानों का कहना है कि SP और DC की लापरवाही से जवान की मौत हुई है। यहाँ सोने और रहने को अच्छी व्यवस्था नहीं है। सड़क पर बेड लगाकर हम रात को सोते हैं। मृत जवान अजय राम पलामू के मोहम्मदगंज का रहने वाला था। घटना के बाद उसका शव पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। बताया जा रहा है कि अजय हजारीबाग के पद्मा ट्रेनिंग सेंटर से लोहरदगा में कर्फ्यू में ड्यूटी के लिए आया था। उधर मृतक के साथियों का कहना है कि वह 12 दिनों से तैनात है। उन्हें विषम परिस्थितियों में ड्यूटी निभानी पड़ रही है। उनके लिए ना तो ठीक तरह से खाने की व्यवस्था की गई है और ना ही रहने की व्यवस्था है। आक्रोशित जवानों ने कहा कि उन्हें रोटेशन में आराम, बेहतर खाने पीने, ठंड से बचने की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो लोहरदगा में नहीं मिल रही है। सूचना के बाद DIG AV होमकर मौके पर पहुंचे और आक्रोशित जवानों को शांत कराया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंचे।
सीएम और उनकी पत्नी ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग की गैलरी में प्रवेश करने के बाद वहां खड़े लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों ने किताबें भेंट की और फिर वह अपने पहले तले स्थित चैम्बर की तरफ अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ चले गए। दरअसल राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद से उनके पुत्र तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को मुलाकात की। वहीं तेज प्रताप के साथ पहुंचे समर्थकों और सुरक्षा गार्डों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर दी। इस कारण रिम्स परिसर में देर तक हंगामा होता रहा। यह सब यहाँ तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में हुआ। बाद में पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत कराया। रिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि ब्लड शुगर की पिछले 3 महीने की रिपोर्ट में सुधार नजर नहीं आ रहा। बेहतर इलाज और दूसरे संस्थान में रेफर करने के मामले में डॉक्टर उमेश ने बताया कि अभी उनके स्वास्थ्य की जांच नियमित की जा रही है। जेल प्रबंधन रिम्स प्रबंधन के साथ मशवरा करने के बाद उन्हें एम्स रेफर भी किया जा सकता है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।